विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस की ओर से 24 अक्टूबर को पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनके नेतृत्व में मुख्य वन संरक्षक कार्यालय पर तेंदुपत्ता तुड़ाई मजदूरों व वन जमीन पर खेती करने वाले किसानों का मोर्चा निकाला गया। इस दौरान धरना आंदोलन भी किया गया। पूर्व विदर्भ के जिले जंगलों से व्याप्त है। इन जिलों में प्रतिवर्ष तेंदुपत्ता तुड़ाई करने के लिए राज्य में लाखों मजदूर जंगल में काम करते हैं। पूर्व विदर्भ के चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, वर्धा और नागपुर जिलों में राज्य में होने वाले तेंदुपत्ता उत्पादन का 82% उत्पादन होता है। एक माह का यह मौसम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे मिलने वाली मजदूरी एवं बोनस से मजदूर अपने परिवार का एक वर्ष का राशन और बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाल पाते हैं। मजदूरों को 8 से 10 हजार रुपए बोनस मिलता है, लेकिन यह गत 2 वर्षों से नहीं मिल पाया है। सत्ता पक्ष द्वारा इसे बंद कर दिए जाने का आरोप विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस ने लगाया है। इस दौरान श्री पुगलिया समेत बाबूराव जी वाघमारे, साईनाथ बुचे, मंगलाताई आत्राम, युवा नेता राहुल पुगलिया, नासिर खान, अशोक नागापुरी, प्रवीण पड़वेकर समेत कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। यह रैली माँ काली मंदिर मैदान से वन संरक्षक कार्यालय तक निकाली गई और मुख्य वन संरक्षक चंद्रपुर वन वृत्त मुख्य वन संरक्षक विजय शेल के इन्हें निवेदन सौंपा गया। इस मोर्चे में सैकड़ों महिला पुरुष शामिल थे। मोर्चे में शासन के खिलाफ जमकर नारे गुंजाए गए। वहीं पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया ने इस दौरान संवाददाता सम्मेलन बुलवाई और शासन की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मजदूरों को बोनस देने का निर्णय लिया था, किंतु भाजपा सरकार ने इसे बंद कर मजदूरों के साथ अन्याय किया। गत 3 से 4 पीढ़ी से वन भूमि पर खेती कर अपना उदर निर्वाह करने वाले गरीब वन जमीन धारकों की जमीन वापस लेने का निर्णय राज्य के सभी मुख्य वन संरक्षकों की उपस्थिति में वन मंत्री ने लिया है, जिसका विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस निषेध करती है। राज्य में 5.5 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर खेती और झोपड़ियां बनाकर बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में कई वर्षों से लोग रहते हैं। अब तक किसी भी सरकार ने न उनकी झोपड़ियां तोड़ी, न ही उनकी खेती योग्य जमीन उनसे छीनी है। वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर वर्तमान सरकार किसानों की जमीनें छीन रही है। इसके विरोध में मोर्चा निकाला गया, ऐसी जानकारी श्री पुगलिया ने दी। लेकर रहेंगे।
बोल रहा है।